हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनस्टा चैनल में। तो आज आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो आज हम बनाएंगे विंटर हाउस। तो विंटर हाउस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं वुड यूज़ करूँगा, ओक वुड। पहले तो इसको भर लेता हूँ मैं। अरे यार, तो अभी हम वुड यूज़ करेंगे। तो मैं इसका 1 2 3 1 2 3 इसको इधर से बनाऊंगा मैं। 6 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 बना लेते हैं इधर से। एंड अब बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 9 हो गया ना, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। अब इधर से ज्वाइन कर लेंगे हम। अभी यहाँ पे हमने फ्लोर बॉर्डर तो बना लिया है घर का, और मैं एक क्रिएटिव मोड में बना रहा हूँ, इसमें इजी होगा, इसलिए तो इसको तो भर लेते हैं अभी। तो अब मैं इसको ये भरने के बाद में आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमारा फ्लोर लगभग बन चुका है। एंड तो अभी हमारा ये फ्लोर तैयार हो चुका है, सिर्फ ये दो ब्लॉक रखते हैं, तो मैं ये भी रख देता हूँ। तो अभी ये फ्लोर तो बन चुका है, अब हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इधर दरवाज़ा बनाने के लिए मैं इधर बनाऊँगा दरवाज़ा, ठीक है। तो इधर के दो ब्लॉक छोड़ देता हूँ मैं, या बोले 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो दरवाज़ा आ जाएगा। तो अब इसके वॉल्स बना लेता हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगा 5 लेयर की वॉल्स बनाऊँगा मैं, 3 4 एंड 5। ये 5 लेयर्स की वॉल बना ली मैंने। अब इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ चारों तरफ से, फिर मैं आप लोग को मिलूँगा। तो अभी यहाँ पे हमारी वॉल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको बनानी है छत एंड थोड़ा बाहर का स्ट्रक्चर। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बनाऊँगा लैडर्स, सीढ़ियाँ। यहाँ पे स्टेयर्स रखेंगे हम, तो यहाँ पे रख देते हैं स्टेयर्स। तो अभी स्टेयर्स देखते हैं, स्टेयर्स तो ये वाले स्टेयर्स रखेंगे हम। अभी यहाँ पे आएगी एक, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, अरे यहाँ, यहाँ पे, ठीक है।
अब आ गया समझ। तो अभी मैं ऐसे बना के इसको पूरा कर देता हूँ और फिर आप लोग से मिलूँगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने ऊपर का तो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम बनाएंगे एक बीकन से लाइट निकालेंगे हम ब्लू कलर की। तो मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया था, तो यहाँ पे मैं गोल्ड रख देता हूँ फ्लोर की जगह। तो यहाँ पे गोल्ड रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे बीकन रख दूँगा, नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ये वाली स्टेयर तोड़नी पड़ेगी और मुझे लेना पड़ेगा ग्लास, वो भी चलो रेड बना लेते हैं, रेड वाला ग्लास लूँगा। और जैसे ही ग्लास यहाँ पे रखूँगा तो ये लाइट रेड हो जाएगी, देखो। तो अभी दूर से बहुत अच्छा लगेगा, ये रेड लाइट आ रही है मेरे घर में से। तो अभी तो ये लाइट अंदर से तो ऐसी दिखेगी वाइट, लेकिन ऊपर से ये रेड दिखेगी। तो यहाँ पे हमारी चिमनी जैसा कुछ बन चुका है, तो अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे छोटी सी बालकनी। तो बालकनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे ये तोड़ने के लिए, अब यहाँ पे ये भी तोड़ना पड़ेगा ना, तो अभी ये भी तोड़ लेते हैं शुरुआत में, फिर इसको बाद में देख लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे बालकनी। तो बालकनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मेरे को लेडर बनानी पड़ेगी। तो लेडर बनाने के लिए एक तो इधर से कर देते हैं हम और एक इधर से कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को लेडर चुनना पड़ेगा, और अब यहाँ पे लगाते हैं लेडर ऐसे, पे भी लगा देते हैं लेडर ऐसे। और यहाँ पे हम लगाएंगे दरवाजा यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको तो भर देते हैं पूरा जैसा था वैसा भर देते हैं, एंड यहाँ पे रहने देंगे इनको, एंड यहाँ पे इनको भी ऐसे कर देंगे। तो अब यहाँ पे इनको भी ऐसे भर देते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे इसको ऐसे, दो ब्लॉक्स की लेयर एक्स्ट्रा लेंगे, वन और टू। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे फैंस, फैंस ऐसे एंड ऐसे, नहीं बाहर की तरफ लगाते हैं, ऐसा करते हैं बाहर की तरफ लगाते हैं जिससे स्पेस हो जाएगा थोड़ा ऐसे, ठीक है। गिरेंगे तो नहीं हम ऐसे एंड बाहर की तरफ, ना 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 इतना नहीं भाई। तो अब यहाँ पे ये फेंस भी लगा चुके हैं, तो अब यहाँ से गिर तो नहीं सकते ना, नहीं गिर सकते। तो अब यहाँ पे हमारी बालकनी लगभग रेडी हो चुकी है, अभी इसको डबल लेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, एक और लगा लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारी बालकनी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बालकनी भी अच्छी लग रही है, अब थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है घर का। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक लालटेन, तो हमको एक लालटेन लगाना है यहाँ पे, लैंटर्न ये रहा, लगाएंगे हम रेड वाला, रेड वाला लगाएंगे यहाँ पे एंड ब्लू वाला भी लगा देते हैं, ब्लू वाला लगाएंगे हम यहाँ पे, लेट्स गो। तो अभी तक तो ये बढ़िया अच्छा बढ़िया सा लग रहा है। तो अभी मेरे दिमाग में ये आया कि मैं यहाँ पे अंदर तो घर के ब्लू रखता हूँ और बाहर रेड रखता हूँ, तो ब्लू ग्लास रख देते हैं, लाइट ब्लू नहीं ये वाला ब्लू रखते हैं। यहाँ पे ये ग्लास पे ये रख देते हैं, अरे भाई
जाएगी और घर के बाहर देखेंगे तो रेड हो जाएगी। ओ भाई ये तो अलग ही कलर आ गया भाई, ये तो पर्पल कलर आ गया, ये भी ठीक है भाई। हाँ तो बाहर हो गई पर्पल जो कि रेड और ब्लू को मिला के, और अंदर है हमारी ब्लू, तो ये भी सही है। तो अभी लगभग हमारा घर कंप्लीट हो चुका है, बस हमको अब यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है। अंदर का थोड़ा सा इनर स्ट्रक्चर बनाना है, बेड वगैरह लगाना है, तो अभी हम लगाएंगे बेड। से भी बढ़िया लग रहा है। एंड अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने का तो है नहीं, लेकिन अब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा, कुछ स्पेशल, जिससे आपको अपने घर का लुक और अच्छा दिखेगा। तो अभी मैं उसकी तैयारी करता हूँ अब, ठीक है? तो मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगा अब वो बनाने के बाद। गाइस अभी टाइम आ गया है मेरी स्पेशल चीज़ देखने का, तो मैंने बनाई ये रोलर कोस्टर राइड, तो मेरे घर तक जाएगी ये, और बीच में बहुत कुछ स्पेशल है। तो अभी इस पे राइड करते हैं और देखते हैं अपने घर को दूर से। लेट्स गो। इसको अंदर से भी देख लेते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे ब्लू एंड बाहर है पर्पल, एंड यहाँ पे है दो ब्लैक बेड क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। और यहाँ पे है चेस्ट, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल्स, यहाँ पे चेस्ट, यहाँ पे फर्नेस, और अब दिखाते हैं आपको बालकनी। तो ये है हमारी बालकनी, तो ये रहा हमारा बड़ा सा छोटा सा प्यारा सा विंटर हाउस। तो मेक श्योर गाइस तुम लोग सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूँगा तुमसे एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।